नमस्कार, ओम सायरा। आप देख रहे हैं साई प्रवाह टीवी शिरडी। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम सायरा। साई बाबा संस्थान की ओर से विगत 11 महीनों से जो साई बाबा की पालखी बंद थी, पालखी की परंपरा बहुत पुरानी है। हम सब साई भक्तों को पता है कि जब बाबा खुद थे तब बाबा को सब उनके साथ में जो साई भक्त रहते थे वो बाबा को द्वारका में से चावड़ी तक वहां पर लेके जाते थे और बड़े तामझाम से लेके जाते थे। वो परंपरा आगे वैसे चलती रही, लेकिन कोरोना की महामारी आ गई और विगत पिछले 11 महीनों से इस पालखी का खंडन हो गया। सभी साई भक्तों को बहुत दुख लगा, क्योंकि कई साई भक्त ऐसे थे कि वो देश विदेश से सिर्फ बाबा की पालखी देखने के लिए गुरुवार के दिन शिरडी में आते थे। उस पालखी का बंद होने के कारण बहुत मन को दुख हो रहा था, लेकिन शिरडी के ग्रामवासियों ने साई बाबा संस्थान को निवेदन दिया था कुछ दिनों पहले कि इस पालखी की परंपरा आप फिर से शुरू कर दीजिए। साई बाबा संस्थान से बात होने के बाद साई बाबा संस्थान ने तुरंत ही इस ग्रामवासियों की ये जो मांग थी उसको यहाँ पर मंजूर किया और साई बाबा की जो नित्य गुरुवार को निकलने वाली जो पालखी है वो फिर से शुरू हो गई। लेकिन जब ये पालखी शुरू हो गई तो इसके साथ में हम साई भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें पालखी में बैठना पड़ेगा, या बिना मतलब का लोगों को इकट्ठा, साई भक्तों को इकट्ठा नहीं होने देना है। इस प्रकार की जो भी कुछ भी कोविड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें फॉलो कर ये जो पालखी है इसी प्रकार से सभी नियमों का पालन करके आगे हमें चलानी है, क्योंकि इसके साथ साई भक्तों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। साथ ही साथ मैं साई बाबा संस्थान का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस जो परंपरा इसको फिर से शुरुआत की और वो अच्छी तरीके से की। पहले गुरुवार की पालकी हो गई है, सभी साई भक्तों ने इसको लाइव भी देखा है, बड़े अच्छे से यहाँ पर पालकी हो गई है। मैं सभी साई भक्तों को फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि आप गुरुवार के दिन साई बाबा को आइए, बाबा की पालकी देखिए, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना के जो रूल्स है उसको हम लोग फॉलो करें। ओम सायराम। धन्यवाद।